नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री की रसोई में आज बनेगी करेला और आलू की एक स्वादिष्ट रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 4 करेला लिए हैं और 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ की। हम करेला हमें छीलना नहीं है, सिर्फ इनको धुल लिया मैंने अच्छे से। इनमें जो भी डस्ट हो वो हम इन्हें निकाल देंगे। और हमने करेला के इधर से आगे से इस करेला के ये काटना है टिप और इधर से काटना है। तो हमने काट लिया, देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमें करेले की सिर्फ 1/2 पीस करना है ऐसे। तो हम कर लेते हैं। वन बाई टू हो गए हैं। तो इनको लेंगे हम एक जार में, इसमें सॉरी बाउल में, और इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इनको हम मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें साइड से छोड़ देंगे। अब तक हम आलू तैयार करते हैं। आलू हमने छील लिया और इनको पानी में भिगो दिया है, क्योंकि आलू हम बाहर रखेंगे तो ये लाल पड़ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें काटना है। हम करेंगे इनके दो दो पीस। आलू ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसके 3-4 भी कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं तो इसलिए मैंने इसके दो दो पीस किए हैं। एक आलू के 4 पीस, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसके हम 3 कर देंगे। तो लीजिए, मैंने आलू ये तीनों दोनों आलू काट लिए हैं। और इधर एक करेला है तो इसने भी पानी छोड़ दिया है। नमक मिक्स किया था ना 10 से 15 मिनट के लिए, मैंने इसे नमक में मिक्स करके छोड़ दिया था। तो जो भी कड़वाहट है करेले की वो निकल गई है। और इधर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे तेल, सरसों का। सरसों के तेल में करेला ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और आपको जो भी पसंद हो तो आप उसमें बना लीजिएगा। पर सरसों के तेल में आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनेंगे सभी में पर सरसों के तेल में। तो ये अब हम तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे करेले। इनको हम फ्राई करेंगे। एक अलग ही रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी। जब आप एक बार बना लेंगे इनको हम इसी तेल में फ्राई करते हैं। देखिए, करेला हमारे बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए, अब हम लेंगे आलू जो हमने काट के रखे हैं आलू। तो इन आलूओं को हम डाल देंगे। बस आलूओं को भी इसी तरह से हम तेल में तल लेंगे अच्छे से, इसी में इनको पका लेंगे। देख, आलू भी हमारे अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो आलूओं को भी हमने करेला के साथ रख लिया है। अब देखिए, हमने दोबारा से गैस फिर से जला दी है। और हम इसमें डालेंगे अब साबुत जीरा और ये मेथी, थोड़ी सी हम मेथी डाल देंगे। और हम डालेंगे लाल मिर्ची, इनको हम तोड़ के डालेंगे। लीजिए, ये हल्का सा गर्म हुआ है और इसे हम और थोड़ा सा होने देने देते हैं, जीरा को तड़कने देते हैं। इसी में हम डाल देंगे ये साबुत लहसुन, 7 से 8 कलियाँ। साथ में लहसुन भी इनके हम अच्छे से भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और मिर्ची का भी कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम अच्छे से भूनते हैं। कलर चेंज हो गया है प्याज का, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत सौंफ। और ये धनिया डालेंगे हम, क्रश की हुई धनिया को भी अच्छा इसमें भून लेते हैं। अब हमने रखा है ये प्याज, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज, जो मैंने बारीक बारीक सॉरी लंबा काट के इसे पतला काट के रखा है। तो अब हम इसको डाल देंगे। इस प्याज को भी हम हल्का भून लेते हैं फिर उसे 2 से 3 मिनट के लिए। बस देखिए, प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो गया है और जो पहले भूना था
वो भी अच्छा हो गया, दोनों अच्छे से कुड़क हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे सबसे पहले इसमें आधी चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें हम दो चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम करते हैं इसे मिक्स, और जो हमने हरी मिर्ची रखे हैं तो इनको भी हम इसी में डाल देंगे। हम मसाला करेंगे मिक्स। अब हमने मसाला मिक्स किया है तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है, दो चम्मच में हम पानी डालेंगे ताकि ये हरे मसाले जल ना जाए। देखिए मसाला हमारा अच्छे से हो गया है तैयार। अब हमें क्या करना है, हमने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, तो अब हमें इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और हम इसे करेंगे मिक्स। मैंने जैसे लोहे की कढ़ाई में बनाए हैं, आप चाहे कब जो भी और कढ़ाई हो उसके साथ आप उसमें आप बना लें। अब मेरे पास ही रखे हैं जो आलू और इसमें करेला और लाल मिर्च, मैंने उससे निकाल ली थी, नहीं तो ये जल जाती, तो इनको भी अब हम डाल लेंगे। पहले हम करेंगे सब्जी को मिक्स, और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च। अब हम ढक देंगे इसे 3 से 4 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम इनको सब्जी को चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। देखिए करेला आलू की सब्जी नई रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट आप ज़रूर करें। ये सब फ्री में होता है, और मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में बेल आइकन है, छोटी सी घंटी है, उसे भी आराम से प्रेस कर दें। अच्छा, इसमें मैंने अभी तक कोई खटाई नहीं डाली है, तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अमचूर पाउडर, सेकेंड है अमिया हरी ताजी खटाई, या फिर नींबू। आपके पास जो भी हो आप डालना, ये 3 के अलावा, और नहीं है तो आप टमाटर भी इसमें, टमाटर की प्यूरी बना के भी डालते हैं, ताकि इसमें खटाई होना बहुत ज़रूरी है। इसमें करेला खट्टे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसमें अमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है, और इसे हम कर देंगे मिक्स। और ये सब्जी हमारी 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। देखिए बढ़िया खुशबू आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, और इसे हम बस ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये खटाई करेला आलू सब में मिक्स हो जाए इसका स्वाद। देखिए सब्जी रेडी हो गई है। आप इसे कहीं जा रहे हो तो आप इसे ले जा सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होगी। आप 2 दिन 3 दिन के लिए सफ़र कर रहे हो तो ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि तली हुई है, इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें धनिया भी डाल दिया है। अब हम गैस को करते हैं बंद, और इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए मैंने कढ़ाई से इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए है, आपको दिखा देते हैं पास से कितने अच्छे बने हैं। आप इन्हें पूरी पराठा के साथ या रोटी के साथ, आपको जैसे भी खाना हो आप इन्हें खा सकते हैं।